ऐसे ही आगे बढ़ाते रहते हैं, उन सबको सदैव छोड़ते हैं। आप इस देश का भविष्य हैं, आपके ऊपर आपके माता पिता की ही निगाहें नहीं, हम सबकी निगाहें हैं। बच्चे किसी भी स्वरूप में हो, कहीं के भी हो, वही इस सृष्टि और सभ्यता को आगे बढ़ाते हैं। आपको इस बात का अभिमान होना चाहिए कि आप भारतीय हैं, और भारत के नागरिक होने के नाते आपके अपने समाज के प्रति कुछ जिम्मेदारियां हैं। उन जिम्मेदारियों का निर्वहन जितने अच्छे से आप करेंगे, उतना संतुष्टि का भाव आपके अंदर पैदा होगा, और आपको ये समाज की प्रकृति और ये समाज की ये सभ्यता बहुत कुछ देगी जो आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। आपको सबसे बड़ी चीज जो देती है वो एक सौहार्दपूर्ण वातावरण देती है ये समाज। आप आज जिस स्थिति में हैं, हम सब जिस स्थिति में हैं, ये समाज का सौहार्द ही है जो कि हमें आगे बढ़ने का मौका देता है। मैं आपसे बहुत कोई टेक्निकल बात नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत छोटे से बड़े विभिन्न उम्र के बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं आपसे बहुत साधारण सी बात करूँगा कि आप इस बात को अपने जहन में डाल लें कि आप किसी भी चीज़ को उसके फेस वैल्यू पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप उसका विश्लेषण करेंगे। यदि आपको वो ठीक लगे तभी उसको करिए, अन्यथा कोई भी बगावत करनी हो वो कर दीजिए, क्योंकि जितनी जल्दी बगावत करेंगे पुरानी चीज़ों को, जो जिनके पीछे कोई साइंस नहीं है, जिनके पीछे कोई उसका कोई बेसिस नहीं है, उनको जितनी जल्दी छोड़ देंगे वो आपके लिए अच्छा है और आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छा हो। ये जो पूरी सभ्यता है आज जिस स्थिति में हम हैं, जिसको एक नॉलेज एज कहा जाता है, और भारतवर्ष वो देश है जिसके पास सबसे ज्यादा यूथ है, सबसे ज्यादा बच्चे अगर आज की तारीख में हैं।